हो गई? बताए नहीं क्या नाम है तुम्हारा? हम राजकुमारी शोभना की मुख्य दासी चपला हैं। चपला बड़ी छोटी दासी हो? हमारे राज्य का नियम है जितना छोटा अतिथि होता है उतनी छोटी दासी भी होती है। अच्छा, और क्या क्या नियम है तुम्हारे राज्य के? एक नियम ये है, जब कोई अतिथि हमारे प्रासाद में आता है उसको पूरे महल में घुमाते हैं। आप चलना चाहेंगे? रुक जाइए। अब क्या हुआ? हमारे राज्य का नियम है, आसन से उतरते समय दायां पैर बढ़ाते हैं, बायां नहीं। आइए राजकुमार, इस तरफ आइए। ये है हमारा राज उद्यान। उत्तम, अति सुंदर है ये उद्यान। कितने सुंदर फूल खिले हैं। कुमार, इस उद्यान से कोई फूल नहीं तोड़ता। क्यों? यह भी तुम्हारे राज्य के नियम है? हमारी राजकुमारी शोभना को फूल बहुत प्रिय हैं। यदि उनको पता चला कि किसी ने उद्यान से फूल तोड़े हैं, तो वो बहुत रुष्ट हो जाएंगी। हमें मत सिखाओ ये सब। दासी हो तो दासी की भांति रहो, जब चाहे तब से हमारे सिर पर चढ़ी हुई हो। हमारे राज्य का यह नियम है, हमारे राज्य का वह नियम है। नियम नियम नियम, ये राज्य है या कारागार। हमें नहीं रहना ऐसे राज्य में जहाँ इतने नियम हो। हर बात पे नियम है। ये पाओ आगे मत बढ़ाओ, तुसे मत छुओ, फूल मत तोड़ो। हम तो तोड़ेंगे फूल। लो यह तोड़ा, ये लो यह तोड़ा, ये लो और तोड़ा, ये लो और तोड़ा। भगवान, क्या करें? हमने तो काकाशीरी का वचन दिया था, परंतु यदि राजकुमार भीम देव क्रोधित होकर सचमुच चले गए तो काकाशीरी को क्या उत्तर देंगे? कुमार, आप इस तरह सारे उद्यान को नष्ट क्यों कर रहे हैं? माताश्री, यहाँ की दासी का इतना साहस हो गया कि उसने हमें फूल तोड़ने से मना कर दिया, इसलिए हमने सारे फूल नष्ट कर दिए। कुमार, यह तो तुम्हारे गरिमा के अनुरूप बात नहीं हुई। जो सुंदरता को नष्ट करता है वह स्वयं कभी सुंदर नहीं हो सकता। कुमार, जानते हो संसार में बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं, किंतु फूल हमें परमात्मा की सबसे सुंदर भेंट हैं। कुमार, हमारी राजकुमारी शोभना कहती है हमें फूल कभी नहीं तोड़ने चाहिए। वो दासी भी कुछ ऐसी बातें कह रही थी, हमसे भूल हो गई। कुमार, भूल तो कभी भी किसी से भी हो सकती है, किंतु यदि भूल हो ही जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी भूल की क्षमा मांगनी चाहिए या हो सके तो उसका सुधार करना चाहिए। किंतु पिताश्री, वो तो दासी है। दास दासियां भी तो मनुष्य होते हैं, जो सचमुच बड़े होते हैं वे छोटों से अपनी भूल की क्षमा मांगने पर और भी बड़े हो जाते हैं। जी पिताश्री। गजनबी की क्रूरता और घृणित मानसिकता से तो सभी परिचित थे, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उसकी लालची नजरें अब सोमनाथ मंदिर पर हैं, तो आस्था से ओतप्रोत श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क पर बिजलियां गिर पड़ी। हमें स्वयं कचनी जाकर उसे उसी की धरती पर राउंड करना चाहिए। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं गुर्जर गौरव, पर ऐसी विषम परिस्थितियों में उत्तेजना, उतावलापन, भावुकता हानिकारक होती है। ऐसे समय में तो हमें एक रणनीति तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। क्या आप लोग कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजकुमारी शोभना, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? जी महाराज, हमारे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। कहिए, निसंकोच कहिए। आप सम्राट हैं, आपके पास भी विशाल सेना अवश्य होगी और हमारे काकाशीरे के पास भी सेना है, तो फिर क्यों नहीं आप सब मिलकर उस दुष्ट को दंड दे। शोभना,
जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं। गुर्जर गौरव, इस समय इस छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहां से आ रही हो? वो हम उद्यान से। किससे पूछकर गई थी उद्यान में? वो हम राजकुमार भीमदेव। चुप। डीआई राजकुमार भीमदेव की चहेती यहाँ वहाँ मंडराया करती है, पर बहाना कर रही है कि राजकुमार का मन बहला रहे थे। उद्दंडता तो देखो, अब तो मुझसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझती। चल अभी बताती हूँ तुझे, चल। पंछियों से इस सब को बचाएगी। और याद रखना, यदि एक भी पंछी ने इसमें चोंच मारी तो तुझे वह दंड मिलेगा जो तू जीवन भर नहीं भूलेगी। एक तरफ शोभना गजनवी जैसे आतंकियों का सामना करने की ताकत रखती है, तो दूसरी तरफ अपनी नैबा के जुल्मों को बुद्धिमत्ता से निपटने की क्षमता रखती है।